किस बुरे तरीके से पाकिस्तान को जो जोड़ा जा रहा है वो आज से नहीं 74 साल से हो रहा है। ये तो इससे बड़ा और क्या फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर है कि आप एक तरफ आप अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं भेजते, आप चेयरमैन सेनेट नहीं भेजते, आप वहां पे किसी पाकिस्तानी लीडर को वहां जाने नहीं देते अगर वो बुलाते भी हैं तो। और अभी कह रहे हैं कि नहीं तुसी एंज करो कि आप जो है ना ऑनलाइन ज्वाइन कर लो सार को, इसको डिसफंक्शनल ना करो। कि आप इतनी थकी हुई बात क्यों कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर बाकी ममालिक को तो ना रोकें, उनको इस्लामाबाद आने दें, आप कंप्यूटर पे बैठ के दिल्ली से जो है ना हमारे साथ सार्क ज्वाइन कर लें। के खान साहब के स्टेटमेंट रिसेंट आई है कि सब्जी बेचकर मुल्क अमीर नहीं हो सकते। कहा था कि हम मुंह पे मारेंगे कर्जे, आज आप घुटनों के बल पड़े हैं, आपकी चीखें निकल रही हैं, आपने मुल्क लीज पे दे दिया है। तो आप 1159 डॉलर पर कैपिटा आपकी इनकम है, जो बांग्लादेश इंडिया हर चीज से पीछे है। आपने पहले कहा कि बकरियां पालो, आप मुर्गियां पालो, आप कट्टे पालो, पहले आप ये बताते रहे हैं, आज आप कह रहे हैं सब्जियां बेचने से मुल्क अमीर नहीं होता। तो आपको किसने मना किया था कि आईटी के स्कूल ना चलाएं यहाँ पे? आपको किसने कहा था कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना लेकर आए? आप चौथे साल में आप चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मिसाला वहां से लेकर आऊंगा, वहां से डिजाइन बनवा कर लाऊंगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं जनाब इंडिया को कि पाइन अगर तुसी सार को इधर नहीं आना तो कंप्यूटर से साडा ज्वाइन कर लो। अब मुझे ये बताएं कि आप इतनी थकी हुई बात क्यों कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर बाकी ममालिक को तो ना रोकें, उनको इस्लामाबाद आने दें, आप कंप्यूटर पे बैठ के दिल्ली से जो है ना हमारे साथ सार्क ज्वाइन कर लें। ये तो इससे बड़ा और क्या फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर है कि आप एक तरफ आप अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं भेजते, आप चेयरमैन सेनेट नहीं भेजते, आप वहां पे किसी पाकिस्तानी लीडर को वहां जाने नहीं देते अगर वो बुलाते भी हैं तो। और अभी कह रहे हैं कि नहीं तुसी एंज करो कि आप जो है ना ऑनलाइन ज्वाइन कर लो सार्क को, इसको डिसफंक्शनल ना करो। तो पहली एक डिसफंक्शनल चीज है तो रहने दो, पैरा ते पार पाओ ना, और फिर एटा एटा निकू निकू होंगी की लोड़ है सर इनको तो। हाउ डू यू ये चीजें तब होती हैं जब आपके घर में खाने को रोटी हो, जब आपके हालात आपकी पूरी दुनिया में बाहर निकल चुके हों, जब प्रेसिडेंट साहब ने स्पीच में कह दिया हो कि इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है एज अ नेशनल थ्रेट है, कौमी सलामती के लिए थ्रेट है, तो फिर लोग आपकी बातें सुनेंगे। आपका क्या ख्याल है, सुनेंगे? गली में एक मांगने वाला रोज आ जाता हो सुबह, बल्कि दिन में 3 दफा आता हो, तो आप कितनी दफा उसको खैरात देंगे? आप कितनी दफा उससे पूछेंगे आप पानी पीने की भूख नहीं लगी? जो दिन में 3 दफा 4 दफा आता हो, जिसका कारोबार ही ये हो कि हर वक्त मांग, 74 साल से मांग रहा हो, अब उनकी मर्जी है। वो इंडियन अच्छे मूड में हो तो कर ले, शायद वो फोन पे या जूम पे कर ले, ना अच्छे मूड में हो तो नहीं करेंगे। उसमें आपका क्या कंट्रोल? कोई कंट्रोल नहीं। आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब है, आपके अंदर रेट ऑफ गवर्नमेंट के हालात खराब है, तो दुनिया आपको क्या करेगी? आपके देखे ना, आपके अफगानी तालिबान बात नहीं सुनेंगे तो इंडिया क्यों सुने आपकी बात? आपकी वो बॉर्डर आपकी फेंसिंग उठा उठा के फेंक रहे हो, वो यूट्यूब पे वायरल हो चुकी है वो चीज, जिसमें वो तालिबान उतार रहे हैं आपके ट्रकों के साथ, धक्के मार रहे हैं, उतार रहे हैं, तो वो आपका क्या हाल है? वो नहीं देख रहे, वो भी देख रहे हैं। तो ये फिर ये सब आपके आपने खुद किए हैं, आपकी कोई अपनी विल नहीं है। अरे तार साहब ये बताइएगा, पहले जरा इमरान खान साहब की बात पे आते हैं कि वो कहते हैं 27 साल बाद ये यू टर्न लिया है कि देखें मैं करप्शन से नहीं लड़ सकता, ये मुआशरे को लड़ना, मुआशरे को जान पैदा करनी होगी। और दूसरा तारर साहब उन्होंने ये बात भी की है कि सोशल मीडिया से लड़ाई करनी है, ये वही सोशल मीडिया जिसकी वजह से ये वजीर आजम बने हैं, और आज ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया फहाशी उरियानी और जो सेक्स क्राइम्स है वो फैला रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, ये खान साहब की इस सोच को कैसे आप अनर्थ करेंगे? खान साहब पहले भी आपको चीमा साहब शायद पता हो कि पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा मशहूर थे यू टर्न, अपनी चीज फौरन कहते, और बल्कि यहां तक कहते थे कि यू टर्न मारना एक लीडरशिप की एक एबिलिटी क्वालिटी होती है। मैं एग्री करता हूँ, हालात चेंज होते रहते हैं। देखिए जो 4-5 साल पहले चीजें थी आज चीजें वो नहीं है, आप इन चीजों पे तो यू टर्न कर लें, लेकिन आप सुबह शाम यू टर्न करेंगे तो फिर वो हालात आप लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। खान साहब ने पाकिस्तान पे टावल बड़ा अरसा पहले फेंक दिया था। खान साहब ने एडमिट किया था कि पाकिस्तान को माफिया चला रहे हैं और वो सारे माफिया इनकी कैबिनेट में मौजूद है। खान साहब दुनिया के लिए मदीना रियासत मदीना, बल्कि यहां तक खबरें आ रही हैं कि इनके कौन से एडवाइजर थे जिन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान में जाके मजहब कार्ड खेलें, कहां शुरू करें, वो भी सामने आ रही हैं चीजें।
खान साहब के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस, उसके शवाहद मौजूद हैं, जो लोग इलेक्शन कमीशन ने चीजें निकाल ली हैं, कई चीज। अब उसमें खान साहब का सबसे बड़ा पहला यू टर्न ये था कि इन्होंने एक तो कहा कि माफियाज, और आज आप कह रहे हैं कि सोसाइटी खुद डील करे। तो खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे पहले बच्चियों के ऊपर उनके कत्ल होते थे, उनको उनको भी कहा सोसाइटी का प्रॉब्लम है। श्रीलंकन शहरी का जो सियालकोट में है, उसको भी इन्होंने कहा कि सोसाइटी का मसला है। लेकिन ये बताएं कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी को गवर्न किसने करना होता है, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किसने करना होता है, गवर्नमेंट किस चीज का नाम है। खान साहब, अगर आपने ये कहना है कि सोसाइटी अपने आप को खुद ही अपने मसले ठीक करे, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी लोगों को बता दे कि व्हाट इज कॉल्ड गवर्नेंस, व्हाट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। आप प्राइम मिनिस्टर की भी डेफिनेशन फिर लोगों को बताएं कि उसका उसके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। लीडरशिप को भी डिफाइन करें कि आप फिर रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, आप सारे मिस्त्री हैं रियासत मदीना के, आप सीमेंट गारे का कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों को बताएं आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप किस मर्ज की दुआ है। 3 साल के बाद आज आप तो इस चीज की बात कर रहे हैं। चीमा साहब, मेरे लिए आज तश्वीशनाक बात यह थी कि खान साहब की स्टेटमेंट रिसेंट आई है कि सब्जी बेचकर मुल्क अमीर नहीं हो सकते। खान साहब ने रिसेंट अपने तकरीर में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दोड़ो दौर के सिस्टम चल रहे हैं। तो आप क्या करने आए थे, आप गडेरिया बेचने आए थे यहां पर, आप ये तब्दीली का नाम लेकर आए थे, आप लीडरशिप, आप कहते थे जी मेरे पास टीम तैयार बैठी है, ये सारी टीम इलेक्शन से पहले आपने कहा था टीम तैयार बैठी, आपने कहा था कि मैं वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, आपने कहा था कि मैं बाहर से, आपके एक मिनिस्टर ने तकरीरें कर करके कहा था कि हम मुंह पे मारेंगे कर्जे, आज आप घुटनों के बल पड़े हैं, आपकी चीखें निकल रही हैं, आपने मुल्क लीज पे दे दिया। तो मेरा मकसद है ये एक एक, एक, एक ऐसा सिस्टम, और आप हर कैबिनेट में अपनी आप कैबिनेट की मीटिंग में आप मिनिस्टरों से कहते हैं बाहर निकल के जाके बताएं कि लोग ये पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, हालांकि सारी दुनिया को पता है कि आप चौथा आप एक्सपेंसिव मुल्क है, आप अर्जेंटीना टर्की और उसके बाद आपका नंबर आ रहा है नीचे। तो आप 1159 डॉलर पर कैपिटा आपकी इनकम है, जो बांग्लादेश इंडिया हर चीज से पीछे हैं आप। तो खान साहब, आपका मेरा मकसद, और ये तब्दीलियां किसने लानी थी, आपने पहले कहा कि बकरियां पालो, आप मुर्गियां पालो, आप कट्टे पालो, पहले आप ये बताते रहे हैं, आज आप कह रहे हैं सब्जियां बेचने से मुल्क अमीर नहीं होता। तो आपको किसने मना किया था कि आईटी के स्कूल ना चलाएं यहाँ पे, आपको किसने कहा था कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना लेकर आए, आप चौथे साल में आप चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मिसाला वहां से लेकर आऊंगा, वहां से डिजाइन बनवा कर लाऊंगा। खान साहब, ये चीजें इस तरह नहीं चलती, एडमिट कर ले कि आपने गलतियां क्या की हैं, आपका टाइम अब आ चुका है लोगों को ब्लेम करना, सिस्टम को ब्लेम करना, अब आप उसकी तैयारियां शुरू करें। अब ये बहुत लेट हो चुका है कि लोगों को बताना सब्जियां महंगी नहीं होती, सब्जियों से क्या होता है, मुर्गियों से क्या होता है, अब ये इट्स टू लेट। और ये मैं बड़े अरसे से इस बात पे चीख चीख के बात कर रहा हूं कि वो किस बुरे तरीके से पाकिस्तान को जो जोड़ा जा रहा है, वो आज से नहीं 74 साल से हो रहा है। आप ये गौर से देखें, आपके 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 एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान रहते कहां है, आपका कैपिटल लंदन है, आपका कैपिटल किसने कहा है कि इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हो तो फिर पाकिस्तान की चीखें अवाम की उनको सुनाई दें, लंदन तो नहीं आपकी जाती ना चीखें, तो लंदन जाके बैठ जाते हैं, वही आपके फैसले करते हैं। और ये पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी है। मैंने हमेशा आपको, मैंने शायद आपके सेगमेंट में कई दफा कहा कि मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर मिले जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ।